एक तरफ सरकार बजट में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हजारों करोड़ के बजट की घोषणा करती है, प्रावधान भी करती है, लेकिन एम्बुलेंस में डीजल भरने के लिए पैसे ना होने के कारण चंद्रपुर जिले के गुणपिपरी तालुका में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी है, जहां एक गर्भवती महिला को पेट्रोल पंप पर एक घंटे तक फंसी रही। गुणपिपरी तालुका में धाबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। इस स्वास्थ्य केंद्र में 3 MBBS डॉक्टर अधिकारी है, लेकिन सबके सब राम भरोसे है। मुख्यालय में रहना अनिवार्य होते हुए ये सभी डॉक्टर चंद्रपुर में रहते हैं, वे चंद्रपुर से आते जाते हैं। आपातकालीन स्थिति में वैद्यकीय अधिकारी के दर्शन और स्वास्थ्य सेवा दुर्लभ होती है। धाबा स्वास्थ्य केंद्र की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, इसका प्रमाण है रुग्णवाहिका सेवा, जिसने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी। 30 मई को धाबा की रहने वाली एक गर्भवती महिला मोनिका रामदास तंगड़ परिवार की हालत गंभीर होने पर उसे उचित इलाज के लिए चंद्रपुर रेफर कर दिया गया। धाबा आरोग्य केंद्र से एम्बुलेंस रवाना तो हो गई, लेकिन गोंडपिपरी के पेट्रोल पंप पर उनका नियमित पेट्रोल लेन देन का कारोबार चलता है। हालांकि धाबा स्वास्थ्य केंद्र से समय पर डीजल के पैसे का भुगतान नहीं होने से पंप मालिक ने डीजल डालने से मना कर दिया। एम्बुलेंस में डीजल ना होने के कारण तकरीबन एक घंटा गर्भवती महिला बिना उपचार के रुग्णवाहिका में बैठी यातनाएं भोग रही थी। सिर्फ डीजल न मिलने से गर्भवती महिला को लेकर एम्बुलेंस पेट्रोल पंप पर खड़ी रही। उसके बाद तालुका विधान पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश चाकुले ने पैसे की व्यवस्था की और एम्बुलेंस को चंद्रपुर के लिए रवाना कर दिया, जबकि कई योजनाओं के माध्यम से राशि उपलब्ध थी। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस के लिए डीजल ना मिलने से स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला की जान को खतरे में डाल दिया। इस बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कनिष्ठ लिपिक का पद खाली है और बिल पंचायत समिति स्तर पर अटका हुआ है। जो भी हो, इस घटना से स्वास्थ्य विभाग की लाचार व्यवस्था की पोल खुल गई है और पुरोगामी महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से गर्भवती महिला को एक घंटा रुग्णवाहिका में दर्द सहते हुए बैठना पड़ा। अगर गर्भवती महिला और बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये सवाल इस वक्त मौजूद हो रहा है। मंगलवारी धाबा येथील गर्भवती महिलेला वेदना व्हायला लागला, त्याच्यानंतर तिथल्या डॉक्टरांनी चंद्रपूरला उपचारासाठी रेफर केले, परंतु धाबा PSC मधून गाडी निघाल्यानंतर गुणपिपरीच्या पेट्रोल पंपावरती आली आणि त्या ठिकाणी डिझेल टाकायला आरोग्य विभागाकडे पैसे नसल्याने त्या ठिकाणी एक तास चक्क ती रुग्णवाहिका थांबली आणि एक तासानंतर त्या ठिकाणी डिझेलची व्यवस्था झाली, पैशाची जुळवाजुळव झाली। याच्यामध्ये त्या महिलेचा जीव खरं तर धोक्यात टाकण्याचं काम आरोग्य विभागानं केलेलं आहे। धाबा आणि गुणपिपरी हे 12 किलोमीटरचं अंतर असताना देखील गुणपिपरी येथील डॉक्टरांकडे धाब्याचा चार्ज आहे। धाबा येथे 3-3 MBBS डॉक्टर असून चार्ज मात्र त्यांच्याकडे नाही। ही बाब अतिशय गंभीर आहे। त्या महिलेचं बाळ आज दगावू शकलं असतं अशा अनेक घटना गोंडीपुरी तालुक्यात घडलेल्या आहेत। अनेक मातांना आपलं बाळ या आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभारामुळे आजपर्यंत गमवावं लागलं, परंतु त्या महिलेवरती योग्य उपचार एक तासानंतर त्या ठिकाणी मिळालं। आज सुदैवानं ती महिला सुखरूप असून तिला एक बाळ देखील झालेलं आहे, परंतु या प्रकरण गंभीर असून या ठिकाणी जे दोषी अधिकारी आहेत त्यांच्यावरती कार्यवाही करावी। गोंडपिपरी CBCN News के लिए सुनील ताडिक, एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट।